नमस्कार, मैं जाहिद आलम और आप देख रहे हैं इस वक्त न्याय केसरी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय ऑफिस पे, जहां पर मनीष सिसोदिया जी को लेकर के सीबीआई ने जो बुलाया है उनको, मनीष सिसोदिया जी को लेकर के जो कि देख रहे हैं आप हमारे सामने, मनीष सिसोदिया जी हमारे बीच में आ चुके हैं और मनीष सिसोदिया जी यहाँ से निकल करके अभी साथ में ही लोगों के साथ अभी जाएंगे सीबीआई ऑफिस तक। ये जितने भी कार्यकर्ता आम आदमी के, सभी कार्यकर्ता जो आज भगत सिंह के उसमें क्रांतिकारी बनकर के आए हुए हैं, ये सभी के सभी लोग मनीष सिसोदिया जी के साथ अपने आम आदमी पार्टी ऑफिस से लेकर के सीबीआई ऑफिस तक इनके साथ जाएंगी। पार्टी की सरकार और दिल्ली और पंजाब से प्रेरणा लेके आज गुजरात के एक एक वोटर के मन में, गुजरात के बच्चे बच्चे के मन में गिर जाओगे ये उम्मीद जगी है कि अगर दिल्ली के स्कूल अच्छे हो सकते हैं तो गुजरात के स्कूल भी अच्छे हो सकते हैं। देख रहे हैं इस वक्त रैली पूरी की पूरी यहाँ से मनीष जी को लेकर के, मनीष जी के साथ बिल्कुल यहाँ से तैयार हो चुकी है आम आदमी पार्टी के, आम आदमी पार्टी ऑफिस से बिल्कुल यहाँ से जाने के लिए तैयार है मनीष जी को सीबीआई ऑफिस तक लेकर के जाने के लिए। सीबीआई ऑफिस तक साथ जाएंगे और आप देख रहे होंगे किस तरीके से बिल्कुल यहाँ पे सभी कार्यकर्ता क्रांतिकारी बन करके, बिल्कुल क्रांतिकारी के रूप में इस वक्त मनीष जी के साथ, मनीष जी के कदमों से कदम मिला करके कि हम भी नहीं डरते जेल जाने से। मनीष जी का सबको कुर्बान होना पड़ेगा, ये इतनी आसानी से आज़ादी नहीं मिलेगी। पहली आज़ादी भी आसान से नहीं मिली थी, बहुत सारे लोगों को कुर्बान होना पड़ा था। हम लोग भगत सिंह के वंशज हैं, हम लोग अपना सब कुछ देंगे, कुर्बान करने को तैयार हैं। आज हमारे लिए जश्न का मौका है, हमें पता है बड़ी यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। सत्येंद्र जैन साहब की यातनाएं झेल रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी को भी बड़ी यातनाएं मिलेंगी, लेकिन हम इन यातनाओं से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम देश के लिए कुर्बान होंगे। जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है, देखेंगे। जगह है कितनी जेल में तेरे।